तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उमेश टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आपका फ्री फायर जो है आपके फ़ोन में ओपन नहीं हो रहा है, या फिर चलते चलते बंद हो जाता है, क्रैश हो जा रहा है, या फिर कोई और दिक्कत आपको आ रही है, या फिर इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बस आप वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप आपको नहीं करना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या फिर नहीं। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर प्ले स्टोर होता है, इसको ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फ्री फायर सर्च कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पर देखना अगर कोई अपडेट आ रखा हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें अपडेट कर लेना है, इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। जैसे आप अपडेट करते हो उसके बाद आपको ओपन करके देखना, ओपन होता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है ऐप्स और नोटिफिकेशन। मेरे में ऐप्स नोटिफिकेशन है, आपका यहाँ पर ऐप मैनेजर हो सकता है या फिर मोर सेटिंग हो सकता है, या और उसके बाद क्लिक करोगे तो उसके अंदर ऐप मैनेजर होगा या फिर आपको ऐप मैनेजर दिखेगा। तो आपको यहाँ पर आ जाना है कुल मिलाकर के, यहाँ पर आपके फोन के सारे ऐप्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल जितने भी ऐप्स होते हैं यहाँ पर आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको फ्री फायर सेलेक्ट करना होगा। सो जैसे आप देखते हो यहाँ पर मैं फ्री फायर के ऊपर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, और अब आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको फोर्स स्टॉप करके दोबारा से ओपन करना, मेरा ऑलरेडी फोर्स स्टॉप हो रखा है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर इंटरनल स्टोरेज के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर जो इसका क्लियर स्टोरेज और क्लियर कैच, ये दोनों आपको क्लियर कर देना होगा, ठीक है। अभी मेरा आप देखते हैं यहाँ पर ऑलरेडी मैंने क्लीन कर रखा हुआ है, क्योंकि अभी मैंने किया था, उसके बाद मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुई है। तो आपको यहाँ पर क्लियर स्टोरेज क्लियर कैच करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर दोबारा से उसको ओपन करके देखना होगा। और दोस्तों, अगर आप क्लियर डाटा इसका करते हो तो आपको याद रखना है उस एप्लीकेशन के अंदर जो भी आपने सेटिंग वगैरह जो भी कर रखा होगा वो सब आपका रीसेट हो जाएगा क्लियर डाटा करने से। तो इस एक चीज़ का ध्यान रखना, क्लियर डाटा आपको सबसे लास्ट में करना, जब आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे। और अगर इसके बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम आपको स्क्रीन के साइड में दिख रहा होगा, तो उस पर आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और हालांकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जानी चाहिए, अगर नहीं हुई तो आपको अपना एक बार इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है कि आपका इंटरनेट अच्छे से चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। अगर इंटरनेट नहीं चलेगा तो ये गेम नहीं चल पाएगा आपका, ठीक है। तो आपको पहले इंटरनेट अपना चेक करना होगा, अगर आपका अदर एप्लीकेशन में चल रहा है, सिर्फ इसी में नहीं चल रहा है, तो एक बार इसको आप अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करके आप एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है या फिर नहीं। अगर फिर भी ना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, और फ्रेंड्स इंस्टाग्राम पर मैसेज करने से पहले फॉलो जरूर कर लेना। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।